दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, कई बार मुश्किलों का सामना भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे रूट पर यात्रा की है जो आपका मौत से सामना कराते हुए रोमांचित सफर कराए? जब ट्रेन किसी ब्रिज या सुरंग में से होकर गुजरती है तो सफर करने में काफी मजा आता है, लेकिन कई बार यही मजा सजा में भी बदल जाता है, क्योंकि ट्रेन के सफर के दौरान कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिससे हमारा दिल दहल जाता है। कुछ रेलवे रूट तो ऐसे हैं जिनको बनाते समय काफी वर्कर्स ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इन ट्रैक्स पर चलने का मतलब जन्नत और जहन्नुम का मजा एक साथ लेने जैसा है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताएंगे जहां आप कभी नहीं जाना चाहोगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5 पे है ट्रेन टू दी क्लाउड्स। अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। इस रूट में ट्रेन इतनी अधिक ऊंचाई से गुजरती है कि बादल भी इसके सामने फीके नजर आते हैं, इसीलिए इसे ट्रेन टू दी क्लाउड्स कहा जाता है। इस ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4200 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। जब भी कोई ट्रेन इस ब्रिज से होकर गुजरती है तो मेटल से बना ये ब्रिज पूरी तरह से कांपने लगता है और इतनी ऊंचाई पर ट्रेन में बैठे पैसेंजर की डर के मारे सांसें थम जाती हैं। इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफर करने से कतराते हैं। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में पूरे 27 साल लग गए थे। ये रेलवे ट्रैक करीब 21 सुरंगों और 29 पुलों से होकर गुजरता है। इतनी ऊंचाई होने के कारण इस ट्रैक की रोजाना जांच की जाती है ताकि किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। अगर इस ट्रैक में जरा सी भी गड़बड़ दिखाई देती है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है और ट्रैक की मरम्मत करने के बाद ही ट्रेन को दोबारा चलाने की परमिशन दी जाती है। ये रेलवे ट्रैक एंडीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरता है जो अर्जेंटीना को चिली से जोड़ता है। नंबर 4 पे है नेपियर गिस्बोर्न रेलवे। दोस्तों, न्यूजीलैंड के इस रेलवे ट्रैक को देखने के बाद ये समझ नहीं आता कि यह कोई रेलवे ट्रैक है या फिर कोई एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट दोनों एक साथ ही बने हुए हैं। यहाँ पर मौजूद रेलवे ट्रैक इस एयरपोर्ट के रनवे के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरता है, लेकिन किसी भी ट्रेन को इस एयरपोर्ट से गुजरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई प्लेन लैंडिंग करने वाला होता है तो फिर ऐसे में ट्रेन को रोक दिया जाता है और प्लेन लैंडिंग करने के बाद ही ट्रेन को गुजरने की परमिशन दी जाती है। इस रनवे से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रैक को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर प्लेन की लैंडिंग के समय किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पहले से ही मौजूद था, लेकिन बाद में इस जगह पर एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया क्योंकि इस शहर में एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई अच्छी जगह मौजूद ही नहीं थी। अगर कभी यहाँ पर किसी प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़े तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। नंबर 3 पे है आर्गो गेडे रेल रोड। दोस्तों, इंडोनेशिया का ये रेलवे ट्रैक जकार्ता को बांडुंग से जोड़ता है। जकार्ता से बांडुंग का सफर सिर्फ 3 घंटे का है, लेकिन ये 3 घंटे आपको एक रोमांचक राइड देने के लिए काफी हैं। वैसे तो इस सफर के दौरान आपको खूबसूरत चाय के बागान और पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन इस सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब ये ट्रेन सिकुरुतुक ब्रिज से होकर गुजरती है। तब मंजर काफी भयानक हो जाता है। आकाश जितने ऊंचे इस ब्रिज के दोनों ओर कोई भी सेफ्टी रेलिंग नहीं है जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। ये रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते समय कई वर्कर्स की यहाँ से गिरकर मौत हो गई थी। इस रेलवे ट्रैक की टर्निंग भी काफी खतरनाक है, जिससे ट्रेन के पटरी पर से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको एक बार इस रूट पर जरूर सफर करना चाहिए। नंबर 2 पे है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। इस रेलवे ट्रैक को देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कोई रेलवे ट्रैक इतना पतला भी हो सकता है। अमेरिका के कोलोराडो में बने इस रेलवे ट्रैक पर इतने हादसे हो चुके हैं कि 1939 में इसे बंद करना पड़ा। काफी पतला होने के साथ साथ इस रेलवे ट्रैक पर इतने खतरनाक मोड़ हैं कि इस पर से गुजरने वाली ट्रेन को काफी स्लो स्पीड में सावधानी से गुजरना पड़ता है। यहाँ चलने वाली खतरनाक तेज हवाएं ट्रेन को चलने से रोकती हैं और पटरी पर संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर पायलट से थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये ट्रेन सीधा खाई में जा गिरेगी। वैसे तो ये रेलवे ट्रैक सिर्फ 7 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इतना खतरनाक होने की वजह से इसे पार करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है।
1887 में बनाए गए इस रेलवे ट्रैक को दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया था। नंबर एक पे है पिलाटस रेलवे ट्रैक। स्विट्जरलैंड का पिलाटस रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट्स में से एक है, क्योंकि ये रूट 7000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को पहाड़ों की ढाल पर 1600 मीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो बेहद खतरनाक है। इसलिए यहाँ चलने वाली सभी ट्रेनों के पहिए दांतों वाले होते हैं। इस रूट पर चालक को बड़ी ही सावधानी से बहुत धीरे धीरे ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है। यहाँ चलने वाली ट्रेन आज के समय में भी मात्र 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन में एक साथ सिर्फ 32 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। इस ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई नजर आती है। यहाँ सफर करना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चलने वाली ट्रेन आज भी वही पहले वाली 100 साल पुरानी पटरियों पर ही चलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।